मैं सबसे पहले अपने आजकल बहुत चर्चित और बहादुर युवा साथी जिग्नेश मेवानी को गुजरात की शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। ये जो जलसा है, मैं समझता हूं बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसलिए अब और ज़्यादा खतरनाक दौर हिंदुस्तान के लिए दिखेगा। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ, 4,50,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का सालाना बजट है और देश भर के सरमायेदारों ने योगी के साथ मिल करके 4,80,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है और कहा 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये कब तक झूठ चलेगा इस देश के अंदर? आप जानते हैं कि बेरोजगारी का सवाल इस समय सबसे अहम सवाल बना हुआ है हिंदुस्तान में। लाखों करोड़ों नौजवान इस समय खेती किसानी में जो हालत है वहाँ रोजगार नहीं है, कोई कारखाने, कोई तरक्की के काम हो नहीं रहे देश में। पिछले 4 सालों में आप जानते हैं कोई ऐसा कारखाना नहीं लगा जहाँ पर कि बड़े लोगों को रोजगार दिया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, करीब करीब देश का जो जीडीपी है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि जीडीपी 7% बढ़ेगा, 6% की रेट से बढ़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जहां किसान आत्महत्या कर रहे हों, जहां बेरोजगार नौजवान 200 नौकरी आती है और 2.5-3 लाख लोग लाइन लगा के खड़े हैं, कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं इस देश में हो रहा है जो 2014 में हमसे वादा किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को इस देश में रोजगार मिलेगा। और देश में, दुनिया भर में घूम के हमारे मोदी साहब आ गए और कोई इन्वेस्टर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कहीं से कोई पैसा नहीं आया, बल्कि अपने ही देश का पैसा 11,000 करोड़ और कितने हजार करोड़ बड़े और छोटे मोदी लेकर के देश से बाहर चले गए। बाहर से पैसा आया नहीं और देश का पैसा बाहर चला गया। और जो काले धन की बातें हुई थी, क्योंकि हमारी तवक्को थी, देश के लोगों की उम्मीदें थी कि शायद बड़ी बड़ी जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी युवा है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। हम दुनिया भर में घूम के कहते हैं कि यूरोप में जहां बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है, हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जहां नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। और इसलिए हमें लगा कि नौजवानों की जो ताकत है उसको मुल्क को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, मुल्क को संवारने में इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी देश बंदूक और गोले और बारूद से बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है एजुकेशन से, देश बड़ा होता है प्रॉस्पेरिटी से, देश बड़ा होता है एकजहती से, देश बड़ा होता है मोहब्बत से, देश बड़ा होता है काम के अवसर उपलब्ध कराने से, खेती और किसानी की तरक्की से देश बड़ा होता है। लेकिन हमारे मुल्क में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, आपको मैं बताता हूं। 8 करोड़, अभी जो सेंसस 2011 की रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि 8 करोड़ इस देश के बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं, और बड़ी मुश्किल में लड़ करके हम सब ने लड़ाई करके फंडामेंटल राइट बनाया 2001 में, आर्टिकल 20 में हमने, मुरली मनोहर जोशी उस जमाने में एजुकेशन मिनिस्टर थे और हम लोगों ने उनसे कहा कि प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक को इस देश में कानूनी हक बनाइए, क्योंकि शिक्षा कानूनी हक नहीं है। शिक्षा का आर्टिकल 45 में है, 14 साल तक के बच्चों को सरकार को शिक्षा देना है, अब ये उसकी मर्जी पर है, इसलिए इसको जस्टिसिएबल कानून बनाइए। बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े संघर्ष हुए। 93 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर शिक्षा नहीं है तो इसका मतलब कि कोई गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक नहीं है।
इसलिए शिक्षा को राइट टू लाइफ के साथ जोड़िए। 93 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हर बच्चे को शिक्षा दो ताकि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक हासिल कर सके हिंदुस्तान में। और इसलिए हमने कहा कि 12वीं तक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाइए। फंडामेंटल राइट बना जरूर, लेकिन प्री प्राइमरी के करोड़ों बच्चे बाहर हो गए और सेकेंडरी एजुकेशन को बाहर कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी साहब ने सिर्फ क्लास 1 से 8 तक को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के साथ शामिल किया। 8 साल बाद फिर कानून बन गया। कानून बना पिछली सरकार के जमाने में, यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में, और उस कानून को लागू करने के लिए 2 समय सीमाएं थी, 2013 और 2015। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए, हर बच्चे को 8वीं तक शिक्षा मिलनी सरकार की जिम्मेदारी है, और हर बच्चे के नज़दीक नेबरहुड में स्कूल देना सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके लिए जितना भी पैसे की जरूरत होगी सरकार अपने बजट में देगी। ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये अहद लिया, ये संकल्प लिया, लेकिन 8 साल हो गया, 7 साल हो गए पूरे, 10% से भी कम स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू हैं। ये जो शौचालयों की बातें करते हैं मोदी साहब दुनिया भर में घूम के, 25% ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें आज भी शौचालय नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये एक बच्चों को एक कानूनी हक मिला था इस देश में, और बगैर शिक्षा के देश तरक्की नहीं कर सकता। देश कोई सड़क से, कोई पुल से तरक्की नहीं करता। और दुनिया भर की ये रिसर्च भी है कि अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो वो 10% अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और 2% अपने देश की आमदनी में वो इजाफा कर सकते हैं। ये है शिक्षा की भूमिका। और आज भी अगर 8 करोड़ बच्चे सेंसस के हिसाब से शिक्षा स्कूल से बाहर है, और अगर सरकार का भी 2013-14 का IMRB का आंकड़ा माना जाए तो 60 लाख, आप कल्पना कर सकते हैं, 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो जिस देश के अंदर। और उसका वजीर आजम बोलता हो, अमर्त्य सेन ने बहुत सही कहा कि हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अस्वस्थ रहकर और अशिक्षित रहकर ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है, कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं हो सकता। अगर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और स्वास्थ्य में आप देख लीजिए 90% से ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है। सरकार का जब बजट बनता है तब हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट पर कटौती हो जाती है, तलवारें चल जाती है। दुनिया भर में कोई मुल्क अपना बजट बनाता है तो सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन हमारे यहां सबसे ज्यादा जितना ये NPA है, जितना देश के सरमायेदारों पर जनता की गाढ़ी कमाई का जमा किया हुआ बैंकों का पैसा बाकी है, वो पैसा दे दो, हिंदुस्तान का हर बच्चा स्कूल में पहुंच जाएगा, हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा। वो पैसा लेके भाग रहे हैं। पैसा NPA में जितना जाता है उतना ही पैसा चाहिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। मोदी साहब को यह समझ में नहीं आता। और इस पूरे देश को मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर नहीं होगा तो यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अब तो बहुत बुरी हालत है, लगातार, और झूठ बोल रहे हैं आप देश के अंदर, झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने। अब तो 2018 में या 19 में कब होगा जिग्नेश भाई जानते हैं कब चुनाव होने वाला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चारों तरफ से आवाजें उठने लगी हैं, अब लोग बोलने लगे हैं। किसानों की बहुत खराब हालत है। अभी राजस्थान में देख रहा हूं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो कोई सलूशन है ही नहीं। कर्जा होने ना पाए इसके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे सरकार को। क्यों हमारे देश का किसान कर्जे में डूबा है? 52% किसान कर्जे में डूबा है। और जिन इलाकों के किसान कर्जे में डूबे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बेटों की पढ़ाई और उनके बेटों की नौकरी का कोई इंतजाम इस देश के अंदर नहीं है। ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। राष्ट्रवाद तो ये है कि इस देश का किसान खुशहाल हो जाए, यही राष्ट्रवाद है। यही राष्ट्रवाद है कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये देश आजादी की लड़ाई लड़ा था, इस सब ने मिलकर लड़ा है इस देश में,
इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला, ये तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादतें दी है, तब इस देश को आजादी मयसर हुई है। आप उसके बीच में दीवार खड़ा करने की कोशिश करोगे तो देश की जनता तुमको उखाड़ के फेंक देगी, इस देश में रहने नहीं देगी। और आज जिस तरह के हालात हो रहे हैं, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब लोग भी ऊब गए हैं, जगह जगह लोगों की आवाज उठ रही है, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बड़ी भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं। और मैं ये कहने चाहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मचाएगी, मनाएगी, कभी न कभी तो ईद आएगी, और 2018 में शायद ईद आ जाए। 2018 और 19 में अभी मैं देख रहा हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सब जगह लोगों की आवाजें बोलने लगी है। गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर होगी हिंदुस्तान की। ये तस्वीर नहीं, जहां ऊब गए हैं सब लोग, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कोई रोजगार की कोई योजना नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट की योजना नहीं, और केवल आप झूठ बोलते जा रहे हैं। तो एक तो मुझे कहना है कि शिक्षा का सवाल एक बहुत अहम सवाल है इस देश में। आपने सारी यूनिवर्सिटी बहुत तेजी के साथ, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये अब धीरे धीरे 75% इस देश के अंदर हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन में 65%, और अब स्कूल एजुकेशन में भी बड़े पैमाने पर पीपीपी की योजनाएं लागू की जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें कोशिश करनी है, अगर ये स्कूल सरकार, अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का काम नहीं करेगी, शिक्षा लोगों को, सरकार लोगों को रोजगार देने का काम नहीं करेगी, तो फिर लोगों से टैक्स लेने का हक सरकार को नहीं है। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और एजुकेशन ये फ्री है, ये सरकार का दायित्व है। हर देश की हुकूमत, जिन देशों में आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उन देशों ने 50-50 साल तक अपने देश में नेबरहुड स्कूल चलाए, और एक पीढ़ी को, पूरी पीढ़ी को उन्होंने शिक्षित किया। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि जिसके पास जैसा पैसा है उसके लिए वैसा स्कूल यहाँ उपलब्ध है, बाकी जिनके पास कोई पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं। हमने कहा था 1966 में, कोठारी साहब ने कहा था, हर स्कूल का एक पड़ोस तय कर दीजिए, कम से कम स्कूल एजुकेशन में स्कूल का एक पड़ोस तय कीजिए, और उस पड़ोस का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, उसको उसी स्कूल में आना होगा, क्योंकि स्कूल इज द प्लेस फॉर सोशलाइजेशन। ये सामाजिकरण की जगह है, ये तफरका पैदा करने वाली जगह नहीं है। लेकिन हमने वो कॉमन स्कूल सिस्टम, जो कोठारी ने कहा था कि इस देश में अगर ये अमीरी और गरीबी की खाई पाटनी है तो स्कूल से शुरू करो, और एक एक ऐसा स्कूल, पड़ोस का स्कूल बनाओ जहां हर बच्चे बैठ के एक दूसरे के साथ सीखें, वो हम कभी नहीं कर पाए हिंदुस्तान में। और शायद हिंदुस्तान में जो ये बदलना है, हिंदुस्तान के अंदर जो खाई खत्म करनी है, वो खाई अगर खत्म करना है तो स्कूल से ही शुरू हो सकता है, और स्कूल एक ऐसा जिसमें सभी लोग आए। ये 66 में कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं लागू हुआ। और आज तो और भी तफरका बढ़ता जा रहा है, आज तो और भी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, और अब तो हिंदुस्तान की ऐसी इनइक्वालिटी है केवल स्कूल में नहीं, बल्कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि 1% हिंदुस्तान के लोग 73% दौलत पर काबिज हैं, और नीचे के जो 30% है वो 1% से भी कम उनकी आमदनी है। ऐसा देश आपने बना दिया, भूखे और कंगालों का देश आपने बना दिया। इस देश में 4 सालों में सबसे ज्यादा सरमायेदारों की पूंजी बढ़ी है, सबसे ज्यादा अदानी अंबानी, ये जियो चला करके पैसे कमा लिया उसने, बैंकों से पैसे गायब हो जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, बहुत तरीकों से लोगों से। मैं आए थे जब ये हमारे देश में एक 2G हुआ था, बुरा मत मानिएगा, और इस देश में भी 2G राज कर रहे हैं,
दो गुजरात के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम बालू से भी तेल निकाल लेते हैं, और वही काम मोदी साहब कर रहे हैं इस देश के अंदर। सबकी जेब से पैसे निकाल लिए उन्होंने और कंगाल कर दिया पूरे देश को। और एक ही बात है, जब लोग उठ खड़े होते हैं तब आप दंगों की फसल बोते हो, दंगों की राजनीति करते हो। इसलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि गरीब मुसलमान और गरीब हिंदुओं के बीच कोई खाई नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सबके मसले एक ही हैं, एक ही बात है। गरीब किसानों की हालत भी मैं जानता हूं, हिंदू हो या मुसलमान। रोजगार भी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, सबको रोजगार चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको इस देश में अपने जीवन की तरक्की चाहिए। इसलिए हमारी समस्याएं एक है, हमारी मिलीजुली समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के निजात पाने के लिए सरमायदारी के खिलाफ लड़ना एक ही काम है। इसलिए मिलजुल करके हम अपने देश को भी बचाएंगे, डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, और सरमायदारी के खिलाफ भी लड़ेंगे। दोस्तों, मैं यही बात कह करके आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। SIO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो छात्र नौजवानों के मसलों को लेकर के बहुत दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उनके राष्ट्रीय सम्मेलन को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे साथी बहुत सारे मौक़ों पर हम लोगों के साथ मिल के राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को सेकेंडरी एजुकेशन तक बढ़ाया जाए। अभी सरकार एक नई साजिश कर रही है, सरकार ने SSA, RMSA और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज करके अब एक नई स्कीम लाना चाहते हैं वो, ताकि इस कानूनी हक को डाइल्यूट कर दिया जाए। जितना भी अधिकार मिला था इस देश में मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को, वो सारे अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, आप जानते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी सेंटर्स सब तबाह किए जा रहे हैं। दुनिया भर में हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये हमने बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए थे जिनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है, आज उनको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन को भी तबाह करने की कोशिश हो रही है। तो हमने ये कोशिश किया था कि RTE एक्ट धीरे धीरे सेकेंडरी एजुकेशन तक बढ़ाएंगे, प्री प्राइमरी के बच्चों को भी उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन चाहती है तो छोटे बच्चों को भी कानूनी हक देना होगा, और उसके लिए पैसे देने होंगे। पैसे नहीं देती सरकार। हमने पिछली बार प्री बजट कंसल्टेशन में अरुण जेटली साहब से कहा कि अब तो बहुत पैसे आ गए आपके पास, डिमोनिटाइजेशन कर दिया तो आपका तो बैंक ही भर गया है, तो अब शिक्षा पर पैसा देने में क्यों इतनी कमी हो रही है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो अभी उन्होंने एक नई स्कीम बना दी और ये बना दिया कि हाई ये सब को मर्ज कर दिया, SSA, RMSA और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड टीचर एजुकेशन को। अब ये मर्ज होने के बाद इस कानूनी हक का क्या होगा? अब उसके शायद वो वोकेशनल और स्किल एजुकेशन सबसे ज्यादा जोर है, और हमको मालूम है आप बोलते हो कि 2 करोड़ लोगों को हमने स्किल दे दिया, झूठ बोलते हो आप। 2 करोड़ लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई है, कोई स्किल नहीं चल रहा है, कोई स्किल आप नहीं दे रहे हैं, और ये सारा पैसा आप धीरे धीरे कॉरपोरेट सेक्टर को देते जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो स्किल और वोकेशनल का जो योजना है, ये योजना ठीक है, आप दीजिए स्किल दीजिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन पकौड़ा बनाने की स्किल मत दीजिए मेहरबानी करके, वो नहीं चाहिए हमारे देश के नौजवानों को। हमारे देश के नौजवानों को तरक्की करने वाला स्किल चाहिए, और उसके लिए उनको बेसिक एजुकेशन चाहिए, और स्किल भी विदाउट नॉलेज नहीं चाहिए। आप सोशल साइंस खत्म कर दीजिए, आप हिस्ट्री खत्म कर दीजिए, आप मैथ्स खत्म कर दीजिए, और बिना नॉलेज के आप स्किल उनके हाथों में पकड़ाइए, ये नहीं चाहिए। हमें स्किल के साथ साथ दुनियावी राजनीति की जानकारी भी चाहिए, और आप क्या करते हैं पर्दे के पीछे उसको भी समझने की सलाहियत चाहिए। ऐसी एजुकेशन हमको चाहिए, उस तरह की एजुकेशन हम पाना चाहते हैं।
और इसलिए आप सबको फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और हम लड़ेंगे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ेंगे और हमारी जो एकजहती है उसकी हिफाजत करने के लिए लड़ेंगे और जो भी हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर उन्माद पैदा करके हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे मादरे वतन को बचाने के लिए हम लड़ेंगे धन्यवाद